परिवार और व्यापार के बीच संतुलित दूरी बनाने की शक्ति जगाती है गीता। महाभारत युद्ध के समय दोस्त और दुश्मन सबके शिविर पास पास ही थे, क्योंकि सभी आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार थे। भद्र देश के राजा शल्य पांडवों के मामा थे। भले चालाकी से दुर्योधन ने उन्हें अपनी तरफ कर लिया था, इसी प्रकार अन्य अपनत्व से जुड़े थे। अतः जब रात होती तो सारे लोग एक जगह बैठ जाते। उस समय वे युद्ध की बातें न कर हंसने हंसाने की बातें करते थे। दुश्मन दोस्त सभी एक जगह, न कोई दुश्मन और न दोस्त। दुर्योधन इसे देख देख कर बहुत कुड़ता था। भीम को भी यह देख गुस्सा इसलिए आता था कि जो लोग यहाँ बैठकर हंसते बोलते हैं, वहीं युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। अतः उसे यह अच्छा नहीं लगता था। समझो जीना आ गया। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछ ही लिया कि हे केशव, बड़े भैया तो शांत हैं, पर मझले भैया तो यह दृश्य ठीक नहीं लगता। इधर दुर्योधन भी अकेला अकेला रहता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया, नम्र पेड़ की डालियाँ झुकी रहती हैं, हवा के झोंके के साथ नाचती हैं, सृष्टि का सौंदर्य बढ़ाती हैं, पर जो ठूंट बन अकड़े रहते हैं, उन्हें एक दिन हवा स्वयं तोड़कर नीचे गिरा देती है। सृष्टि की शोभा के लिए नम्रता जरूरी है। वास्तव में मनुष्य कर्मशील प्राणी है, लेकिन रात होने तक जो इंसान निश्चिंत बेफिक्र होकर सो जाए, समझो उसको जीना आ गया। रात्रि में शांति को समर्पित हो जाओ। जो जितना शांत अपने को कर पाएगा, उतना ही जीवन में आनंद ले पाएगा। वैसे भी कर्मठता को उभारने के लिए रात्रि में शांति को समर्पित होना आवश्यक है। सवेरे शांति के साथ जागृत होने, उल्लास से भरपूर होने के लिए भी यह जरूरी है। मनोविश्लेषज्ञ कहते हैं, कर्म तो कुछ न कुछ सबको करना होता है, लेकिन कर्म के साथ कर्म के प्रभाव और दबाव को बिस्तर तक लेकर नहीं जाना चाहिए। तभी शांति भरी नींद आती है और प्रातः ताजगी से उठते हैं। दुर्योधन व भीम कर्म के अर्थार्थ युद्ध के दबाव में जीते हैं, इसलिए दुखी हैं। भगवान सबको कहते हैं, क्षत्रिय का कार्य है युद्ध करना, लेकिन यदि घर में भी व्यक्ति क्षत्रिय बना रहे, कभी शांत न रह सके, आनंदित न रह सके, तो उसका कर्म तेज क्षीण हो जाता है। इसी प्रकार जो दुकान पर व्यापार करने के बाद घर परिवार में आकर भी व्यापार करने लगे, तो उसका घर तो रहेगा नहीं, दुकान भी बिखर जाएगी। यदि दुकानदार है तो दुकान पर ही व्यापार करें। घर पर सद्गृहस्थ पति पिता और पुत्र बनकर ही आइए। व्यापारी योद्धा थानेदार ज्ञानी बनकर न प्रवेश करें। परिवार में एक अच्छे सरल सहज और प्रेम से भरे हुए इंसान बनकर आइए। जब इस स्थिति में घर आएंगे तो आपका घर आनंद देने वाला बन जाएगा। उसमें प्रेम और उल्लास के फूल खिलने लग जाएंगे। तब उस घर में रहने के लिए मन करेगा, चाहे वह फूस की झोपड़ी ही क्यों न हो। कोप भवन न बन जाए घर। रामयुग में भी राजा दशरथ ने कोप भवन घर से बाहर बनवाया था। सच कहें तो आज हम लोगों ने अपना पूरा घर ही कोप भवन बना रखा है। उस युग में एक महाभारत समाप्त हो गया, पर आज लगभग हर परिवार में महाभारत चल रहा है। यही नहीं लोगों का क्रोध देखें तो समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है लोगों को। वास्तव में क्रोध पानी पर खींची गई लकीर सा होना चाहिए। अगर कोई बात आई तो कह दो और उससे बात भूल जाओ। किसी की बात को गांठ बांध कर मत बैठो। गांठ बांधने का ही परिणाम तो महाभारत था। यह सच है कि सब चिंताओं का परित्याग करके जब व्यक्ति निश्चिंत होकर जीवन जीने लग जाए, तो समझ लेना चाहिए कि वह योगी है और आनंद योग जीवन में उतर आया। निश्चिंत बेफिक्र मस्त रहना भी बड़ा योग है। गाते गुनगुनाते हुए चलना और अपनी शाम और सुबह को शांत बनाना ही कृष्णत्व है। इस विधि से जीवात्मा का परमात्मा से मेल हो पाता है। समत्वम योग उच्चते। भगवान श्री कृष्ण ने समत्वम योग उच्चते अर्थात समता को योग कहा है। संतुलन का नाम योग बताया है, अर्थात संतुलन बनाए रखें। हर समय बैलेंस बनाए तो जीवन में शांति उतरने लगेगी। जैसे मौसम स्वाभाविक है, ऐसे ही सुख दुख हानि लाभ भी स्वाभाविक हैं।
हारना जीतना भी स्वाभाविक है। कोई भी मौसम हो, शांति की यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। ऐसे ही दुख और संकट की कैसी भी स्थिति हो, पर यात्रा जारी रहनी चाहिए। मुसाफिर बने और चलते रहें। जरूरी नहीं कि सुख ही सुख मिलता रहे और दुख ना मिले, वास्तव में दोनों मिलेंगे। अतः एक आँख में आंसू रखें और दूसरे से दुनिया को देखें। यही जीव संदेश देती है श्रीमद् भगवद गीता और उनका श्री कृष्ण। तब न जीवन उबाऊ लगेगा, न ही परिस्थितियाँ उबाऊ लगेंगी। धन्यवाद।